अगर आप हमें समझ नहीं पाई हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ, सारी गलती तो हमारी है। हमें तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। हम सोचते थे कि तुम आजाद ख्यालात के होगे, मगर तुम्हारी सोच और फिक्र बिल्कुल पुराने ख्यालात की है। अब हम आपको क्या बताएं शाकरा? जिसे आप पुरानी सोच कहती हैं, वो यहाँ की तहजीब है, और जिसे आप बुजदिली कहती हैं, वो बुजदिली नहीं, यहाँ का अदब है। लोगों से झुककर मिलना, उनकी इज्जत करना, इस शहर की पहचान है। मिस्टर आबिद, एक बात कान खोलकर सुन लो। हमने एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे हम इस घर की रानी बनेंगे। रानी इस घर पे राज करेंगे। वो कैसे? तुम बस देखते जाओ। अहमद भाई तो कलकत्ता में रहते हैं। हम इस घर का बंटवारा करके अहमद भाई का हिस्सा खरीद लेंगे और अहमद भाई से कहेंगे कि वो कलकत्ते में ही रहें। यहां लखनऊ आकर क्या करेंगे? नरगिस को तो हम इस घर में कभी रखेंगे नहीं। उसे भी अहमद भाई के साथ कलकत्ता भेज देंगे। बची अम्मी तो उनका जी चाहे तो वो कलकत्ता भी जा सकती हैं, नैनीताल जा सकती हैं, या फिर दो चार दिन मेहमानों के तौर पे वो यहाँ पे भी आके रह सकती हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इस घर को अपने हिसाब से बनवाएंगे, तुड़वा कर। जितना आप सोच रही हैं, उतना आसान नहीं है शाकरा। ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलिए, हकीकत को जानने की कोशिश कीजिए। आप भी खुश रहेंगी और हम सब भी खुश रहेंगे। लोग खुश रहें या ना रहें, हमें सिर्फ अपनी खुशी देखनी। नसीमा बाजी, आदाब। खुश रहो। नरगिस कहाँ है? नरगिस बीवी जी तो अपने कमरे में होंगी, और कहाँ होंगी। सीमा बाजी, हमें आपसे एक काम है। हाँ हाँ, बोलो, क्या काम है? मगर आप कसम खाइए कि आप किसी को नहीं बताएंगी। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए हमें कसम खानी पड़े? अगर आप कसम नहीं खाएंगी तो हमारी नौकरी चली जाएगी। पत्तो, आज तुम्हें हो क्या गया है और कैसी बातें कर रही हो? बात ही कुछ ऐसी है, आप अपने सर पर हाथ रखकर कसम खाइए। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम इतनी कसमें वादे ले रही हो? अब कह भी दो। अब कैसे कह दूं? हमें बहुत डर लग रहा है। तुमको डर लग रहा है और अब हमें फिक्र होने लगी है। कैसे बताऊं नसीमा बाजी, अगर वो बात खुल गई तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। नरगिस बीवी जी और बेगम साहब आपके पीठ पीछे आपकी बहुत बुराई कर रही थी। बेगम साहब कह रही थी कि नसीमा का आना जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जब देखो घोड़ी की तरह से मुंह उठाकर आ जाती। बस यही बात बतानी थी। पीठ पीछे तो बादशाह की भी बुराई होती है, और फिर नरगिस ने तो हमें घोड़ी कहा है। अब जाने दो, हम बड़ी अम्मी और नरगिस से खुद पूछ लेंगे। नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर ये जुल्म मत कीजिए। मैंने आपसे जो भी कहा है वो अल्फाज में वापस लेती हूँ। देखो फत्तो, कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं ली जा सकती। ये तो तुम्हें पहले ही सोचना था। मैं क्या करूँ, मेरे अंदर तो अकल ही नहीं है। आपकी मोहब्बत में हमने सब कुछ कह दिया जो नरगिस बीवी जी कह रही थी। अच्छा, हमसे मोहब्बत ज्यादा, और जिनका तुम इतने दिनों से नमक खा रही हो उनसे कोई मोहब्बत नहीं? अब अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर कसम खाओ। अब कान पर हाथ रखकर क्यों? तुम कसम खाती हो या मैं बुलाऊं बड़ी अम्मी और चची अम्मा और नरगिस को? नहीं नहीं, हम खाते हैं। अब ये कसम खाओ कि तुम जो भी सुनोगी उसे अपने पेट में रखोगी, जबान से किसी से कुछ नहीं कहोगी। आपने जो कहा है हम वो कसम खाते हैं। अब ठीक है।
शाकरा मेम साहब कहती हैं कि अपनी आंख और कान खोल कर रखो और ये कहती हैं कि बंद करके रखो। मैं क्या करूं, मैं तो बड़ी मुश्किल में आ गई हूँ। नरगिस, नसीमा बाजी, आदाब, खुश रहो, शाद रहो, आइए बैठिए। कैसी हैं आप? अरे वाह, हम तुम्हें कैसे लग रहे हैं? हमारे हाल चाल तो बिल्कुल ठीक है। ये बताओ तुम कैसी हो? और फैजल कहाँ है? वो अम्मी के साथ खेल रहा होगा। अच्छा, कल तुम हमें अम्मी के साथ बैठकर याद कर रही थी? हाँ हाँ नसीमा बाजी, आपको याद कर रहे थे, बचपन के सारे जिक्र कर रहे थे। अम्मी बता रही थी कि नसीमा बाजी एक बड़ी सी गुड़िया अपने हाथों में दबोच कर रखती थी और जरा सा कोई छू ले तो आप चिल्ला चिल्ला कर सबको परेशान कर देती थी और तब तक चुप नहीं होती थी जब तक आपकी गुड़िया आपको वापस नहीं मिल जाती थी। अपने खिलौनों से किसी को भी खेलने नहीं देती थी। एक गुड़िया तो दी है अल्लाह ने हमें, गौहर की शक्ल में। अच्छा ये बताओ, और क्या बता रही थी बड़ी अम्मी हमारे बारे में? कह रही थी नसीमा में बहुत बदलाव आया है, वो काफी समझदार हो गई है। मुझे खुशी है कि वो एक जिम्मेदार औरत की तरह अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही है। वो सब तो बचपन की बातें थी, जब हम बड़े हुए हमारी शादी हो गई, लाडली मिर्जा जैसा शौहर मिला, हमें हमारे शौहर बहुत दुख और दर्द दी, हालात ने हमें अक्ल दे दी और जिंदगी ने लड़ना सिखा दिया। इसीलिए तो लोग कहते हैं दुनिया में वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता, वक्त अच्छा है तो सब अच्छे हैं और अगर वक्त बुरा है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। वक्त किसी को अश्क का झूला झूला दे, किसी को पर से मखमल पर चला दे, किसी के पाँव में डाले हैं छाले, ये किस्मत का लिखा अब कौन डाले। अच्छा नसीमा बाजी आप बैठिए, अम्मी हमें बड़ी देर से बुला रही है, हम होकर आते हैं। तो सही कह रही थी, लगता है नरगिस हमसे दूर रहना चाहती है। आज तक नरगिस हमें ऐसे कभी छोड़कर नहीं गई, नरगिस बदल गई है। आबिद, हमें तुम पर बड़ा तरस आता है, तुम्हारे वालिद भी नहीं है, तुम यतीम हो, हमारे सिवा तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं है, कोई चाहने वाला नहीं है, तुम्हारी अम्मी का भी तुम्हारे साथ सौतेला सलूक है। बड़े भाई वालिद की जगह होते हैं और तुम्हारे अहमद भाई वो अपना फर्ज तो निभाना दूर उल्टा तुमसे जलते हैं। हमें भी कुछ ऐसा ही लगता है शाकरा। लगता क्या है, ऐसा ही है आबिद। ये सोचो कि तुम्हारा इस घर में कोई अपना नहीं है। पता नहीं अपने पराए कब हो गए, हमें तो उसकी खबर तक नहीं हो पाई। आबिद, वो लोग हमेशा से तुमको पराया समझते थे, उन्होंने कभी तुम्हें अपना नहीं समझा। एक तुम ही हो जो उन पर अपनी जान लुटाए रहते हो। शादी से पहले कोई ऐसा नहीं था, ये सारा बदलाव शादी के बाद आया। तुमने शादी की है, कोई गुनाह थोड़ी ना किया है, वो भी किसी आलतू फालतू लड़की से नहीं, हैदराबाद के सबसे आला खानदान की बेटी प्रिंसेस शाकरा से। उन्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए कि तुमने अपने खानदान की इज्जत बढ़ा दी, इतने बड़े खानदान में रिश्ता जोड़ के। वो लोग इस बात से खफा नहीं है। तो फिर किस बात से खफा हैं? वो लोग इस बात से खफा हैं कि हमने शादी अपनी मर्जी से क्यों की। शादी की तारीखें तय करने के लिए हमने अपने खानदान के बुजुर्गों को क्यों नहीं बुलाया, उनसे राय मशवरा क्यों नहीं लिया। ये भी कोई खफा होने वाली बात है भला? हम लोग बड़े हैं, कोई बच्चे नहीं है। तुम भी एक बच्चे के बाप हो, हम भी एक बच्चे की माँ हैं। पर हमने अच्छा बुरा देख के डिसीजन लिया है,
जिंदगी हम लोगों को गुजारनी है तो हमारे फैसले से ये लोग क्यों जल रहे हैं? हम क्या बताएं शाकरा, हम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। आबिद, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हम हैं ना शाकरा, हमारा सिर दर्द से फटा जा रहा है। अरे ला, हम तुम्हारा सर दबा देते हैं। नहीं नहीं, हम ठीक है, आप जहमत मत उठाइए। इसमें जहमत की क्या बात है, चलो हम दबा देते हैं। के बाबा, ये लीजिए। आदाब। आदाब, क्या कर रहे हो? कुछ तलाश कर रहे थे? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही फैजल को देख रहा था। क्या है ना, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया है, बहुत ही प्यारी बातें करता है। हाँ, वो बहुत नेक बच्चा है। मैं यहाँ खाना खाने आया था, सोचा कि फैजल से मुलाकात करता चलूँ मैं। बहुत अच्छा। गुलफाम, तुम अपने घर का पता दे दो। भाई, हमारे एक दोस्त नैनीताल जा रहे हैं, वो तुम्हारे अब्बू से मिल लेंगे, उनका हालचाल ले लेंगे और तुम्हारा हालचाल भी उन्हें जाकर बता देंगे कि भाई तुम हमारे यहाँ खैरियत से हो। मैं कहाँ से इनको अपने घर का पता लाके दूँ? तुम अपना पता लिखा दो हमें। नहीं नहीं, आपको लिखने की क्या जरूरत है, मैं आपको लिख के देता हूँ ना। अच्छा ठीक है, ख्याल से तुम अपना पता हमें लिख कर दे, जरूर देना। भाई और बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? जी, पढ़ाई तो मेरी बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह। तो मैं यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है, मैं बहुत आराम से हूँ, शुक्रिया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ मियाँ कि तुम्हारा खाली वक्त कैसे कटता है? जी, खाली टाइम में तो मैं बस ऐसे ही घूमने निकल जाता हूँ या मैं फैजल के साथ खेलता हूँ। ये बहुत अच्छा करते हो आप। जी, आपकी अम्मी मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनके अंदर मोहब्बत, अखलाक, इंसानियत बहुत है। वो जिससे भी बात करती हैं उसे अपना बना लेती हैं। मैं भी उनका मुरीद हो गया हूँ। ना ही वो कभी गुस्सा करती हैं, ना ही उनमें कोई गुरूर है। गुलफाम, हम लोग बिल्कुल सादी तबीयत के लोग हैं, गुरूर और घमंड ना करते हैं और ना करने वालों को पसंद करते हैं। आफिद, तुम परेशान मत हुआ करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम बस जैसा हम कहा करें वैसा किया करो। हमने बहुत लोगों को ठीक किया है। अहमद भाई इस घर पे अकेले राज करना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हम तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दिला कर रहे हैं। अब की बात तो और है शाकरा, कम से कम तो लोग हमें इज्जत और प्यार तो दें। आबिद, तुम खैरात में प्यार और इज्जत मांगोगे, और वैसे भी उनके खुद के पास उनकी इज्जत ही नहीं है तो वो देंगे क्या? और ये सब ना तुम्हारी अम्मी की गलती है। हर माँ का फर्ज होता है कि वो अपने सभी बच्चों को बराबर से प्यार करें, लेकिन तुम्हारी अम्मी तुमसे ज्यादा अहमद और नरगिस को प्यार करती हैं। इसमें किसकी गलती है? हमें तो सारी गलती तुम्हारी अम्मी की नजर आती है। तुम सच कह रही हो शाकरा, अम्मी को सबको बराबर का प्यार करना चाहिए, चाहे वो घर का कोई बड़ा हो या छोटा।
भाई हमारे अब्बू तो हमेशा कहते थे कि बड़ा निवाला भले खा लेना, लेकिन बड़े बोल कभी ना बोलना, क्योंकि बड़े बोल बोलने वाले को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। और जो लोग तनकर चलते हैं ना, उन्हें एक दिन जरूर झुकना पड़ता है। यही सारी बातें हमारे अब्बू ने हम लोगों को सिखाई। और वो हमेशा कहते थे कि किसी जरूरतमंद की अगर मदद कर सकते हो तो जरूर करनी चाहिए। आजकल लगता है जमाना बिल्कुल बदल गया है। आपके अबू की सोच और फिक्र कितनी अलग है लोगों से। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हमारे लिए रहने का इंतजाम कर गए, और आप इतने लायक अपने अबू के बेटे हैं, उनका क्या हुआ वादा आप निभा रहे हैं। अरे आजकल के जमाने में तो लोग अपने जिंदा माँ बाप की बात भी नहीं मानते, और आप उनके किए हुए वादे को निभा रहे हैं। ये सब उनकी अच्छी तालीम और तरबियत का नतीजा है। अगर औलाद नेक निकल जाए तो माँ बाप की सबसे बड़ी दौलत है, और अगर औलाद खराब निकल जाए तो माँ बाप की सबसे बड़े गम और तकलीफ की बात है। अब हम अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करें। हमारी तो पूरी कोशिश रहती है कि हमारे वालदेन और खानदान को कोई तकलीफ ना हो। बल्कि मैं तो अल्लाह से भी यही इल्तजा करता हूं कि वो हर इंसान को नेक तौफीक दे। सब लोग अपने वालदेन के साथ अच्छा सलूक करें। नरगिस, आदाब। चीती रहो चीती रहो। आज आपने हमारे कमरे में आने की जहमत कैसे की? नरगिस, तुम बहुत ही सीधी और भोली हो, लेकिन जमाना बहुत चालाक है। हम तुम्हें जमाने से बचाना चाहते हैं। हम तुम्हारी सगी भाभी जो हैं। अब क्या कहना चाहते हैं? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नरगिस, कभी कभी तुम जिन्हें अपना समझती हो ना, वही तुम्हारे दुश्मन निकलते हैं। ज्यादा दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है। हमारा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा यकीन किया हो। अब नसीमा बाजी को ही ले लो। उन्होंने तुमसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके, तुमसे हमदर्दी जता के तुम्हारा घर ले लिया और तुम्हें बेघर कर दिया। अगर तुम होशियार होती, तुम्हें जरा भी अकल होती, तो तुम उन्हें अपना घर ना लिखती, वो तुम्हारे बच्चे के काम आता। तुम्हें तो अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं रहा। नसीमा बाजी को वो घर हमने अपनी मर्जी से दिया, और उस बात का हमें गम नहीं है। और नसीमा बाजी कोई गैर नहीं, वो हमारे सगे चचा जात बहन है, और हमारी सगी ननन भी। हम जानते हैं नसीमा बाजी की फितरत, लोगों को लूटना और बेवकूफ बनाना है। बड़ी लुटेरी औरत है वो। आप नसीमा बाजी को नहीं जानते, नसीमा बाजी को बचपन से हम जानते हैं। नरगिस, जब तुम इस तरह का यकीन करती हो ना नसीमा बाजी पे, तो हमारे दिल को बड़ी तकलीफ होती है। हमारे ख्याल से आपको तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अभी तुमने दुनिया देखी ही कहाँ है, और ना ही तुम्हें अपने पराई की पहचान है। आजकल दुनिया इतनी चालाक है कि हर कोई अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए है, और नसीमा बाजी उन्होंने तो अपने चेहरे पे इतने नकाब डाले हुए हैं कि तुम उनका चेहरा पहचान ही नहीं पाई हो। भाभी, शायद आप हमें पहचान नहीं पाई। हम लोगों के चेहरे नहीं, उनका दिल देखते हैं और उनकी जबान। नरगिस, दिल और जुबान भी कोई देखने की चीज है। अगर कुछ देखना है और सीखना है तो दिमाग का इस्तेमाल करो। जितना जानना और समझना था हम समझ चुके, और रहा सवाल नसीमा बाजी का, तो उनके बारे में क्या सोचना और क्या समझना हम खूब जानते हैं, और हम रिश्ते भी बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं। हमें खुशी है कि आप हमारे बारे में इतना सोचती हैं। हमारा फर्ज था तुम्हें आगाह करना नसीमा के बारे में, लेकिन एक बात हम तुमसे जरूर कहेंगे, मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी है, हम तुम्हें नेक बात समझाते जाएंगे।
फिर आ गई। फिर आ गई मतलब? ये मेरे बड़े अब्बू का घर है, मेरा जब चीज चाहेगा आऊंगी, जब चीज चाहेगा जाऊंगी। तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? आपके जाने के बाद आपके पीठ पीछे नरगिस बीवी जी और बेगम साहब आपकी बहुत बुराई कर रही थी, हमसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। अच्छा, तुमसे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा था? हमें इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी इज्जत भी बहुत करते हैं। आज तुम्हारी बात सुनकर हमें बड़ी हैरत हुई, तुम हमारा इतना ख्याल रखती हो? हाँ हाँ बिल्कुल। और उनकी चुगली करती हो जिनका नमक खाती हो? तौबा तौबा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तुम कितना सच बोल रही हो और कितना झूठ, ये तो अभी पता चल जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे, मैं अभी बड़ी अम्मी और नरगिस से पूछ लूंगी, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो क्या वो बताएंगे? वो तो कह देंगे कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, और फिर मैं झूठी बन जाऊंगी। गरीब लोगों की बातों पर तो कोई यकीन ही नहीं करता है। हम आपके दुश्मनों की बात सुन सुनकर आपको बताते हैं और आप यकीन ही नहीं करती। अब ये बताओ, इस घर में हमारा दुश्मन कौन? नरगिस बीवी जी और बेगम साहब। अच्छा, वो लोग दुश्मन है हमारे, तुम्हें पता चल गया? बड़ी अम्मी का नमक खाकर नमक का हक अदा कर रही हो? नमक हराम, शर्म नहीं आती तुम्हें उनकी बुराई करते हुए? आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करती हैं? अरे पागल, तुम बोलोगी दिन को रात तो क्या मैं रात मान लूंगी? तुम्हारी बात पे मैं यकीन नहीं कर सकती। आपको कैसे समझाएं, आप तो बड़ी ना समझ है। तुम हमें ना समझ क्यों कह रही हो? ना समझ मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप अपनी बड़ी अम्मी और नरगिस बीवी जी को पहचान नहीं पा रही है। एक बात ध्यान से सुन लो, तुम इस घर की नौकर हो और नौकर बन के ही रहना, फालतू की बातों में मत पड़ो, और हमसे हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारा नाम अच्छे से जानती हो, नसीमा है हम, समझ में आ गया तो ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो तुम्हारी खैर नहीं है।